सुनिए, कोई बात नहीं है, आप महान कलाकार हैं और हम तो सिर्फ ऐसे ही, हम आपको मालूम है कि जब आप मैनपुरी आती थी तो हम कॉपी लेके पहुंचते थे सुनने के लिए, तो आज हमारा वो सौभाग्य है जो आपसे बराबर में बैठे हैं, हमारे लिए यही बहुत है। आइए और क्या। और सच बात भाभी जी, मैं एक बात बताऊं कि मैं कुछ कलाकार नहीं हूं, मुझको कलाकार बनाने में इन गुरुओं का हाथ है और सबसे बड़ा हाथ हमारे ब्रजभुवन भैया जी का है जो राठौर कैसेट के मालिक हैं। एक बार जोरदार हमारे भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि अगर इनको सम्मान मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए छोटा सा गीत हमारी तरफ से। अरे तूने पता है भाई कि रोज गोरी तूने तो कहा था एक रोज गोरी हसाई तू नारी बाबा पिया था पूरी बन गए पदरिया शामी तू नाचाई। समय को ज्यादा न खर्च करते हुए ना 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 ना, क्योंकि हम ये बात भाभी से ही सीख रहे हैं। सुनिए, कोई भी, और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी भाई को अगर मेरी तरफ से कोई भी गलत शब्द मालूम पड़े, जैसा कि भाभी ने कहा चंदन भैया गलत मत समझना, और मुझे भाभी कहा, तो कतई अगर आप लोगों को लगे कि इस देवर की तरफ से भाभी के लिए कुछ भी गलत हो गया हो, तो आप खड़े करके बीच में आप कमेंट टोक सकते हैं, ना 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 ना, बीच में टोक सकते हैं। और भाभी जी आपको भी ये मैं कह रहा हूं कि अगर भैया की तरफ से छोटे भैया, देखिए देवर भी छोटा भाई होता है, अगर भैया से कोई भी त्रुटि हो जाए तो हाथ उठा के तुरंत रोक देना। सुनिए, इनको तो श्री राम पति पिता ये नारियां जब मैं हुई अनेक पाक रही अपनी ही देखो एक से पलकर पति अनेक पति पिता फिर भी लिखा है ये ही लोग ग्रंथ पुराणों की गाथा है लेना तब कर दे। एक एक बात को सुनना, किसी के एक पत्नी होती है, किसी के दो पत्नियां होती हैं, दशरथ के तीन थी, सबकी बात छोड़ो भगवान कन्हैया के 16,100 कन्हैया की 16,108 पूरी कंपनी खुद की थी, बच्चे इतने होंगे कि रजिस्टर भरना पड़ता होगा खा गया कि नहीं खा गया, क्योंकि एक पत्नी से एक कन्या और 10 पुत्र हुए। ऐसे मान लो जैसे ट्रैक्टर गल्ला कूटता तो भूसा इकट्ठा हो जाता है। आइए सुनिएगा, हर अगर आदमी शादी करता है तो उस पर लोग उंगली कम उठाते हैं, लेकिन अगर पत्नी दो या तीन से अधिक शादी करे तो लोग उंगली उठाने लगते हैं, उंगली उठाने लगते हैं। नारियों के पति भी हैं, जैसे कि भाभी जी गीत को सुनना सिर्फ, जैसे मंदोदरी का रावण का जब वध हो गया तो मंदोदरी ने विभीषण के साथ शादी कर ली, लेकिन सुनिए मेरा गीत क्या कह रहा है, सिर्फ समझना आप। और गीत में मैं ये नहीं कहूंगा आखिर क्यों, रात भर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। ऐसी पत्नियां हैं, किसी के दो पति हैं, किसी के तीन पति हैं, किसी के चार हैं, लेकिन सुनिए
अरे कैसा बीती ये रात सुहानी, वो दिल मर जानी जो बाकी कमाल कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझने बारे में भैया बात है। पहले भी मैंने यही बात कही, सिर्फ गीत को समझना। सुने द्रौपदी सपा द्रौपदी को देखा, जिस दुनिया तो सुना तो पाई। दूसरी बात आप चौपदी फिर भी एक और बात को सुनना, क्या चुपती फिर भी नारी है पावन, पति है द्रौपदी का, लेकिन फिर भी पंच कन्याओं में नाम आ गया। पंच में नारी मिलानी और पांच पति नामी। सुनिए अरे मत तो बाबी तारी मैं गिला पानी बड़े से दीवानी, है सब कुछ मतदादी कोई मैं नादी होली है सब कुछ तो ऐसी पहली पतिव्रता। अब देखिए पांच के जोड़े करो कितने हैं गए, साढ़े सात। लेकिन साढ़े का मतलब कुछ बनता नहीं ना ना, इसलिए दौड़ा नहीं है ये ना ना, आधा छोड़ दो। आगे देखिए हमारे राइटर महोदय जी जो भाभी जी की तरफ है, तो विशेष ध्यान दें, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि कलाकार सिर्फ गाता है और पीछे वाले जो लिखते हैं वो गाते हैं। सुनिए गौतम ऋषि की एक पुत्री है जिसका नाम है जटिला। जटला के कितने पति? सात है। बजरंगी भैया कितने लिखो? सात है। सात पति और निस दिन भोग भोग बार माने धन।
एक दिन एक व्यक्ति के नाम है, एक का सोमवार को नंबर है, दूसरे का मंगलवार को, तीसरे का बुधवार को, सात पति है उसके, सात ही दिन है। अरे श्री कृष्ण है नहीं, अरे इसने श्री कृष्ण है नहीं, इसने पैदी जीवन से खुश है नहीं, वो हिम्मत रानी मस्ती में है मस्तानी, तुम मन से हुई दीवानी, अरे सातों के अधिकार में। यह तलारी पर कितने लोगों का अधिकार? सात लोगों का। अरे सातों का ही अधिकार। देखिए हंसने वाली बात नहीं है, पहले भी क्रम दिखाया था, लेकिन आप फिर भी भाभी जी सिर्फ छोटे भैया को सिर ना सिर। अरे सातों के वही अधिकार, देखो ऐसी पतिव्रता है जाया संसार संसार में। अंतिम टुकड़ा देखिए, नाम नारी सास भरोस है, नाम नारी सास भरोस है। मार्सा नाम की एक नारी हुई है, क्रम देखिए पांच के दो हुए सारे सात, तो सात दिखाए, अब सात के जोड़े कितने हैं? वो सारे का सारे का कोई सुबह भी आधा बचता है, इसलिए ये भी दौड़ा नहीं है। सुनिए बात सुनिए, नाम नारी सही सुबड़ी सुहानी, आसन में नदोली बस प्रचेता की पत्नी थी, इसके दस पति है, बस प्रचेता पति है उसको, ऐसी नारी नदोली भी क्रम लगा हुआ है। आइए गीत और बड़ा अच्छा आया है दीवाना जी की तरफ से, गीत कह रहे हैं आपका। तूने कहा था तेरा गोरे हंसे के, I'm
करकी वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपने यह बउआ पांडे बस यही लोग नहीं कर पाते तभी बात करते हैं तभी बात करते हैं। चंदन निवारा भैया हमारे इधर तमाम भैया लोग बैठे हैं। भैया भैया अभी आप अनाउंसमेंट कर रहे थे थोड़ी देर बैठे भैया लोग बिना कलाकारों का सम्मान भी कर रहे हैं तालियां बजा के उत्साहित भी कर रहे हैं और धन्यवाद दे रही हूँ आप लोगों को भी अपना कीमती समय दे रहे हैं। मैं तो कहूंगी नगर 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 के तेल बदल जाते हैं नगर नगर के तेल बदल जाते हैं बहता हुआ दरिया का नीर बदल जाते हैं और माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती एक नया दिन बच्चे की तकदीर बदल लेती बहुत बात चंदन भी आप करो भाभी जी मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा मेरी तरफ भाभी से मजाक नहीं होता। अभी थोड़े दिन पहले कैसेट में चल रहा था आपके यहाँ बुआ से भी मजाक नहीं होता ये तो अच्छा है और क्या ये सभ्यता अच्छी है और बनी रहनी चाहिए बनी रहनी चाहिए। लेकिन ये भाभी में उन भाभियों में से नहीं है जो देवर का अपमान चाहे ना आप विश्वास रखिए मेरी तरफ से रात भर में ऐसी कोई बात ना नीचे वाले बोलेंगे ना मैं लेकिन बस एक चक्कर थोड़ा निवेदन करूंगी क्योंकि साथी आपके ज्यादा समझदार हैं और क्या और जहाँ ज्यादा समझदार लोग हैं वहाँ मूर्ख बन जाना ज्यादा अच्छा होता है। सुना दो बेटा सुना दो उसी में अपनी भलाई है। चलिए तीन तीन कलमों को प्रणाम है मेरी प्रणाम है। और आपने देखा पहले पांच पांच पति हैं द्रौपदी के मैंने बहुत गीत गाया यूट्यूब पर खूब चला। कहीं छोटा है पिया कहीं लंबी है दुल्हन खूब गाया मैंने किसी के पास है पिया किसी के नहीं है सजन खूब गाया मैंने खूब गाया। अब उसी को आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है जय हो यूट्यूब महाराज की जय हो यूट्यूब महाराज ये सब केएस भाई की देन है। अब आपने कहा पांच पति उनके फिर इसका ये बोझा कर दीजिए इतने हुए पांच के दस हो गए आप साढ़े सात है तो आधा हटा दीजिए। अच्छा आधा काहे हटाए दे रहे हो भाई तब तो साढ़े सात पति लाने चाहिए थे तब तो कोई बात बनती आधा हटा रहे हो फिर काहे का कीर्तन आपको तो मैंने आधा लिया जाता लेकिन अब जय तुम्हार देवी तेईस हमार चढ़ावा सुनिए उत्तर मेरी तरफ से मुझे क्या मिला और कैसी नारियां कैसा पति मिला अब मैं प्रयास करूंगी नारी भी आ जाए और पुरुष भी आ जाए लेकिन इसमें भी कोई विशेषता मिल जाए। ये बात बढ़िया शाबाश नारी का यही नारी है बेटे बहने का और यही नारी यही नारी माता
कहीं बहन है, पत्नी है, कहीं कहीं माता है, लेकिन मुझे क्या मिला? छवि है मेरी धनुधारी। भगवान राम हालांकि चार भाई हैं, लेकिन जरा देखिए तीनों माताओं का प्यार मिल रहा है। मेरी पंक्ति कह रही है, छवि है मेरी धनुधारी, महातारी। तीन माताएं हैं रघुरानी, माता के ममता प्यारी, जो है उनका भारी। एक नहीं चार हैं, कहीं रघुरानी माता के ममता प्यारी, जो उनका ही भारी। पूरा किया अरमान नहीं, तत्काल माता के आपका संतान है। आपके पांच पतियों, यानी पांच पतियों की एक पत्नी, यहाँ तीन माताओं की एक संतान। सब मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने पति पत्नी का रिश्ता दिखाए है, आपका पिता और मैं आपका माँ और पुत्र का रिश्ता दिखाया। और गिनती नहीं आ गया, लेकिन माता तीन और पुत्र है चार, लेकिन उसमें सबसे प्यारे हैं राम। तो ही रघुराए जो माता के ममता प्यारी, है उनके चार भाई, तो होते हैं साढ़े चार। अब आधा वाला हटा दो, अपनी तरफ रख लीजिए। विधानसभा चल रही बेटे। अब चार चार पुत्र देखें कैसे कैसे। अंजना चार माताएं कहां हैं? पुत्र एक और माताएं चार। और ये मैं वेद पुराणों से ही बता रही हूं, मनगढ़ंत नहीं। अंजना अग्रिकाश हनुमान जी सुनिए, अपराई यानी हनुमान जी ये है। तुम्हें बजरंगी सतसंगी, ऐसे हैं हनुमान, ऐसे कब रहे पाते दिखलाते, जग में पूजे जाता है बजरंगी। हनुमान जी की एक नहीं के चार माता की एक ये संतान है। धन्यवाद। अब देखिए पहले तीन, अब आपने चूंकि डेढ़ गुना कर रहे हैं आप, तो अब चार आ गया। समझ, चार माताओं की एक संतान है। मैंने कहा अंजना अद्रिका शिवा और सीता, इन चारों को मां के रूप में पूजा है और कहा भी है। तो चार माताओं की एक संतान है। अब आइए आइए फिर डेढ़ गुना करते हैं चार का। अब निकालूंगी कि बात आ जाए कैसे। शिवा शिवा का मिलन है अधूरे, क्या बात है भाई, क्या बात। साढ़े चार का बार गुना करिए, साढ़े छह। आधा वाला हटा दीजिए, साउंड वालों को दे दीजिए। समझते रहिए। छह लाने का प्रयास कर रही हूँ। शिवा शिवा का मिलन है अधूरा,
क्योंकि मैंने कहा हर अनंत हरि प्रधान अंत कहा लिखा कबूतर को मेरा अंश दिया और कहा लिखा कि छात्र किताब में सरकंडा में सोम को रखा तक कार्तिक के पैदा हो तो जो आपको सही लगे मान लीजिए पढ़ने का प्रमाण हो। पिता तुम चालन किया है पालन तो पुत्र बने हैं खदानन वही पुत्र खदानन खदानन तो शिव के लाला वही कार्तिक तो शिव के लाला वो छा दिन वाले वो शिव का लाला जो छा दिन वाले क्या काम है निराला आपके गीत का था शक्ति उत्तर, क्योंकि आपने अपने गीत में पति पत्नी का जोड़ा बताया है और मैंने पिता मैंने पुत्र और माँ का जोड़ा बताया है।